एक्सेल में आप सभी को वी लुकअप तो लगाना आता ही होगा, पर क्या कभी आपने मल्टीपल टेबल पे वी लुकअप लगाया है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल जो है वो मल्टीपल है, पर इनके लिए जो वी लुकअप काम कर रहा है वो सिंगल वी लुकअप काम कर रहा है। अगर आपको नहीं आता है तो चलिए आइए इस वीडियो में आपकी एक्सेल की नॉलेज को बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले डेटा को हम एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारा दिल्ली जोन है, गाजियाबाद जोन है, यूपी जोन है एंड नोएडा का जोन है। अब हम यहाँ पे जो भी आईडी लिखेंगे उस आईडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेबल से डेटा हैच होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू पुट करेंगे एंड वी लुकअप फंक्शन को कॉल करेंगे। इक्वल टू वी लुकअप हम देख रहे हैं आईडी के लिए। अभी आपको आईडी वाले सेल पे क्लिक करना है, देन कॉमा इफ लगाना है, देन ब्रैकेट को आपको ओपन करना है। इफ अगेन आपको आईडी वाले सेल पे क्लिक करना है। इफ ये सेल इक्वल टू बराबर हो इसके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आईडी को सिलेक्ट नहीं करना है, कॉमा, और यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। यही स्टेप तीनों टेबल पे बार बार फॉलो होगा। देन कॉमा, फिर से आप इफ लगाएंगे, देन दिस सेल इक्वल टू दिस कॉमा दिस कॉमा इफ दिस सेल इक्वल टू दिस कॉमा दिस कॉमा इफ दिस सेल इक्वल टू दिस कॉमा दिस। इस तरीके से आपको सेम प्रोसेस पे सभी टेबल्स के साथ करना है। ब्रैकेट्स को यहाँ पे ओपन करना है, लास्ट में जो ब्लैक ब्रैकेट आना है इसको आपको हटाना है, देन कॉमा, देन कर्ली ब्रैकेट पुट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एरे यूज करने वाले हैं। तो क्योंकि हमें आईडी के बिहाफ पर नेम, प्रोडक्ट और सेल चाहिए, तो नेम आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है और ये आपका चौथा कॉलम है। तो 2, 3 और 4 आपको यहाँ पे टाइप करना है। कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे आपको क्लोज करना है, देन कॉमा पुट करके एग्जिट मैच के लिए आपको 0 पुट करना है, देन ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना है, देन सिंपली आपको यहाँ एंटर प्रेस करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग नहीं करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला बार में आपको माउस को रखना है लास्ट में एंड कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। देन अब यहाँ पे आप जो भी आईडी लिखते हैं, सपोज आपने A11 लिखा तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं D005 तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं B005 तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो होप आपने, आपको वी लुकअप इफ के साथ अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल टेबल्स पे हम सिंगल वी लुकअप किस तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।